नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सदा सुहागिन रहना है तो करवा चौथ पर भूल कर भी ना करें यह काम। दोस्तों, करवा चौथ के दिन हर भारतीय शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस बार के व्रत में बहुत सारी चीजें खास हैं और जिसे विधि पूर्वक हर पत्नी को करना चाहिए। वहीं इस दिन संकटी गणेश चतुर्थी होने से यह पर्व और भी शुभ माना जा रहा है। ऐसे में करवा चौथ के व्रत में कुछ नियम बताए गए हैं, उन्हीं नियमों के अधीन सुहागिन महिलाओं को ये व्रत रखना चाहिए। तो आइए दोस्तों जानते हैं उन बातों के बारे में जिनका खास ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान काले कपड़े भी नहीं पहने और ना ही इस रंग के कपड़े का उपयोग करें, ना ही एकदम सफेद साड़ी पहने। व्रत के दौरान कैंची का उपयोग नहीं करें। व्रत रखने वाली महिलाएं कैंची ना उठाएं। व्रत के दौरान सिलाई कढ़ाई भी नहीं करें। इस दिन समय बिताने के लिए ताश के पत्ते बिल्कुल नहीं खेलें और जुआ तो बिल्कुल निषेध है। किसी की भी निंदा करने से बचें और किसी की चुगली या बुराई नहीं करें। इस व्रत के दौरान दूध, दही, चावल या उजला वस्त्र जैसी चीजों का दान बिल्कुल नहीं करें। व्रत के दौरान अपने घर के किसी भी बड़े का अनादर नहीं करें। पति के अलावा किसी की भी चिंता करने से बचें, क्योंकि इस दिन पति ही सब कुछ माना जाता है। सुहाग की किसी भी चीजों को कूड़े में नहीं फेंकें और ना ही उन्हें झाड़ू लगाने में प्रवाहित करें। श्रृंगार करते समय जो भी चूड़ियां टूट जाएं, उनको बहते जल में प्रवाहित कर दें। इस दिन धूम्रपान करने से बचें, किसी भी प्रकार का नशा या फिर मांस मच्छी खाने से बचें। तो दोस्तों, आप भी इन बातों का जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबरदस्त टिप्स लेकर आते हैं, जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।